दोस्तों, दुनिया में कई सारे अजीब, रेयर और अद्भुत जानवर मौजूद हैं, लेकिन सांप इन सब से बेहद अलग है। ये जीव बेहद ही खतरनाक और जहरीले होते हैं, तो वहीं कई सांप जहरीले नहीं भी होते और इनसे इंसानों को कोई खतरा नहीं होता। इनमें से कई सांप पानी में रहते हैं तो कई अपनी जिंदगी जमीन के नीचे बिताते हैं। साथ ही कई सांप ऐसे हैं जो उड़ते भी हैं, और ये सभी इस बात का संकेत है कि प्रकृति बेहद ही अद्भुत है। तो मैं हूँ आपका दोस्त दक्ष, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के कुछ बेहद ही विचित्र सांपों के बारे में। दी होगनोज स्नेक। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो अपने शिकार को चकमा देने के लिए अजीब तरह से बर्ताव करते हैं, और होगनोज भी एक ऐसा ही सांप है। ये स्नेक नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के साथ ही ईस्ट और सेंट्रल यूएसए में भी पाया जाता है। ये सांप सूखी और रेतीली जगहों में पाया जाता है, और ये देखने में भी बेहद अजीब लगते हैं। इनके शरीर में सबसे अजीब भाग है इनका सिर, जो बिल्कुल ही चपटा है। ये सांप जहरीला होता है, लेकिन इसका जहर इंसानों के लिए जानलेवा नहीं है। इसी वजह से जिंदा रहने के लिए ये सांप अजीब बर्ताव करता है। इसके लिए ये कोबरा की तरह फन उठा लेता है और शिकारियों को दूर भगाने की कोशिश करता है। अगर इससे भी शिकारी दूर नहीं भागता तो ये गोल गोल घूमने लगता है और मरने की एक्टिंग करता है। इसी वजह से ये सांप बेहद ही अजीब प्रवृत्ति वाला जीव है। दी फ्लाइंग स्नेक। दोस्तों, अगर आपको सांपों से डर लगता है तो आप यही सोचते होंगे कि सांप केवल रेंग कर ही आपके पास आ सकते हैं, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उड़ने वाले सांप भी पाए जाते हैं। ये जीव साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, और इनका ऑफिशियल नेम क्राइसोपीलिया है। उड़ने के लिए ये सांप पेड़ की शाखा के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये अपने शरीर को जे आकृति में मोड़ते हैं, और एक बार सही दिशा चुनने के बाद एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ कूद जाते हैं, जिससे ये उड़ते हुए दिखाई देते हैं। छलांग लगाने के दौरान इन सांपों का शरीर बिल्कुल चपटा हो जाता है, जो इन्हें ज्यादा दूरी तय करने में मदद करता है। ये सांप अपना पेट भरने के लिए छिपकली, मेंढक, पक्षियों और छोटे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। ये पहले अपने शिकार को जहर से पैरालाइज कर देते हैं, जिससे शिकार शांत हो जाता है और ये उसे निगल लेते हैं। लेकिन इनका जहर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होता, तो इसीलिए आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। दी कॉमन एगीटर। ये सांप अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में सैगेनियल से लेकर सूडान और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इसके साथ ही ये कई रेगिस्तानी इलाकों में भी पाए जाते हैं। ज्यादातर समय ये जमीन पर रेंगते हुए नजर आते हैं। साथ ही ये पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, और खतरा महसूस होने पर ये पेड़ों की जड़ों और खोखली जगहों पर छुप जाते हैं। ये 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, और लगभग इनके कोई दांत नहीं होते। इस सांप का आई विजन भी कमजोर होता है, और केवल जीभ की सहायता से ही ये अपने आसपास हो रही गतिविधियों का पता लगाते हैं। अंडे इनके खाने का मुख्य स्रोत है, क्योंकि अंडे ना ही कहीं भागते हैं और ना ही लड़ते हैं। ये रेंगते हुए पक्षियों के घोंसले तक जाते हैं और अंडों को निगल लेते हैं। केवल अंडे ही इनके खाने का मुख्य स्रोत है, और इनका शरीर भी अंडों को निगलने के हिसाब से ही बना हुआ है, और इसी वजह से इसका नाम द कॉमन एग ईटर है। अटेंटिकल स्नेक। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और हमने इसे वीडियो में इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसका रूप रंग बेहद ही विचित्र है, और इस सांप के सिर पर 2 सींग होते हैं। विंडरबेल्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के मुताबिक ये सांप बेहद ही विचित्र तरीके से मछलियों का शिकार करता है। जहां जमीन पर रहने वाले सांप अपने शिकार की हरकतों को पहचानते हैं और सही समय से उस पर हमला करते हैं, वहीं टेंटिकल स्नेक मछलियों को अपने पास आने के लिए लुभाता है और मछली के पास आते ही उन पर हमला कर देता है। ऐसा करने के लिए ये पूंछ से शिकार को अपने करीब लाता है और एक झटके से मछली को मुंह की तरफ धकेल देता है। इसी तरीके से ये सांप शिकार करता है। ये हमला इतना तेज होता है कि इंसान की आंखें कुछ भी समझ नहीं पाती, जिससे वीडियो को बेहद स्लो करने पर ही
इनके शिकार करने की गति का पता चलता है। दोस्तों, आप सभी का इन सांपों के बारे में क्या मानना है, कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोस डाल सकूं। इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।